हेलो फ्रेंड्स, हम आज आपको बताएंगे टेंस के बारे में। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, तो देखिए टेंस माने होता है हमारा काल, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे टेंस होते हैं वो हमारे तीन प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। तो नंबर एक होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस इसे बोलते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल। दूसरा होता है हमारा पास्ट टेंस, पास्ट टेंस ये होता है हमारा भूतकाल, भूतकाल। और तीसरा होता है हमारा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस ये होता है हमारा भविष्य काल, भविष्य काल। तो जो हमारे काल होते हैं यानी कि टेंस जो होते हैं हमारे, वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो वर्तमान जो हमारा चल रहा है, और पास्ट होता है भूतकाल जो हमारा बीत चुका है, और फ्यूचर टेंस फ्यूचर होता है हमारा भविष्य जो आने वाला है। अब देखिए इन तीनों के चार चार भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं, चार, मतलब प्रत्येक टेंस के चार चार भाग होते हैं। तो देखिए अब प्रेजेंट के चार भाग कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही हमारे पास्ट के हो जाएंगे और ऐसे ही फ्यूचर के हो जाते हैं। अब इसी प्रकार से हम देख लेते हैं पास्ट के लिए। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी प्रकार से देख लेते हैं हम फ्यूचर के भी चार भाग होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चौथा हो जाता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। टेंस जो होते हैं हमारे वो तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट को बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट को बोलते हैं भूतकाल, और फ्यूचर को बोलते हैं भविष्यकाल। अब प्रत्येक टेंस के चार चार भाग होते हैं।
प्रेजेंट से लेके चलोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार पास्ट वाले हो जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और फ्यूचर के हो जाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया टेंस कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक टेंस के मतलब कितने भाग होते हैं। तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रत्येक टेंस के मतलब चार चार भाग होते हैं। तो दोस्तों, और मैंने इनसे पिछली वीडियो में आपको कुछ यूज बता रखे हैं, उसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत आए या इनमें कोई दिक्कत आए मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे बोल सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कराने जा रहा हूँ, तो आप उसको वीडियो को देख लें, वो नेक्स्ट वीडियो हमारी कल आ जाएगी। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।